हाय गाइस, मेरा नाम है विनव, आप देख रहे हैं टिकट सिक्स। सो गाइस, बोट वॉच फ्लैश फाइनली हमारे पास आ गया है। ये अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है एंड 2500 इसका प्राइस है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बट उससे पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सच में वर्थ है। अभी के टाइम में इतने सारे अच्छे अच्छे स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं, देन अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉचेस आ गए, बजट स्मार्ट वॉचेस काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए, तो इस टाइम में क्या ये वर्थ है लेने के, एंड इसमें क्या क्या फीचर्स हैं एंड एवरीथिंग, मैं डिटेल में इसमें बात करने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखना। बट उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस, ये है बोट फ्लैश। इसके बॉक्स में हमें यहाँ पे फ्लैश लिखा मिल जाता है, फ्लॉन्ट योर फिटनेस, एंड काफ़ी अच्छा मुझे बॉक्स लग रहा है एंड स्लिम मेटेलिक डिज़ाइन है। उसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पे हमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 1.3 इंच का फुल टच LCD डिस्प्ले है, कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड वाइब्रेशन अलर्ट, देन कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, सैनिटरी एंड हाइड्रेशन अलर्ट, वेदर फोरकास्ट, उसके अलावा फाइंड माई फोन है, देन कंपैटिबल विद iOS, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट एंड ऑल। उसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, IP68 वाटर एंड डस्ट स्वेट रेसिस्टेंट। तो काफ़ी सारे बेसिक, मैं कह सकता हूँ बेसिक फीचर्स है ये, और आजकल सारे स्पोर्ट्स बैंड या इसमें होते ही है, तो इसे मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। वैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये सील ब्रोकन है ऑलरेडी। वाओ, पैकेजिंग इसकी यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर मैं इसे हटाऊँ तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रैप रखा हुआ मिल जाता है, तो इसे मैं अभी के लिए साइड रख देता हूँ। उसके अलावा ये वॉच है एंड वाओ यार, काफ़ी स्लिम है। और यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ कुछ सेंसर्स मिलते हैं, बट गाइस यहाँ पे मुझे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। यूज़ तो नहीं है, और ये मैंने अभी खोला है और मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, तो इसमें स्क्रैचेस कैसे आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने और भी एक दो वीडियो देखा जिसमें कंप्लेन था कि स्क्रैचेस थे, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्वालिटी में ध्यान देना होगा बोट को, नो डाउट। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके अलावा बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। तो ये 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। उसके अलावा ये कुछ लिस्ट है बोट प्रोडक्ट्स के, देन यहाँ पे बोट हेड का स्टिकर मिल जाता है, तो इसे मैं साइड रख देता हूँ। उसके अलावा ये अगेन वारंटी कार्ड एंड मैनुअल है, आपको इसको कैसे कनेक्ट करना है, देन कैसे सब होगा वो इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो आप ये पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमें ये चार्जिंग क्रेडल देखने को मिल जाता है, एंड ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिकली अटैच होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो ये सब मैं साइड रख देता हूँ। ओके, वाओ, बोट वॉच फ्लैश काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है। इसका स्टिकर मैं हटा देता हूँ। ओके, और ये मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस, जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं सेट कर लेता हूँ इसे। ओके, सो गाइस, अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ तो स्ट्रैप की क्वालिटी ओके है। मैंने इससे अच्छे स्ट्रैप की क्वालिटी इस प्राइस रेंज में देखी हुई है, तो स्ट्रैप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बट कंफर्टेबल है। उसके अलावा मेन यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसके सेंसर से यहाँ पे मुझे आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रैचेस देखने को मिले हैं, एंड ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है गाइज। उसके अलावा यहाँ पे हमें ये चार्जिंग का यहाँ पे डॉक मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे मैसेजेस आता है, अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैसेजेस नहीं आ रहा है, एंड अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो ये आपका सेक्शन खुल जाता है जहाँ पे इसके सारे फीचर्स मेंशन है, स्पोर्ट्स मोड है, ब्रीथ, देन शटर, कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन है। उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, ये सब के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। उसके अलावा स्टॉप वॉच है, देन फाइंड माई फोन है, स्क्रीन स्लिप है, तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ अभी के लिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपने देखना अपने हिसाब से कैसा रखना है इसका स्क्रीन टाइम। उसके अलावा वॉच फेसेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड अच्छे खासे वॉच फेसेस है, एंड मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। 4-5 वॉच फेसेस है, बाकी आपको इसके ऐप से चेंज करना होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। उसके अलावा अगर मैं फिर यहाँ दिखाऊँ तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, स्क्रीन, वॉच फेसेस, देन रीसेट, पावर ऑफ, एंड इसके ऐप के लिए QR कोड का ऑप्शन आता है, तो इसे आप फिर क्राउन को दबाओगे तो ये बैक हो जाएगा। अगर ऊपर स्लाइड करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब आता है, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा ये ब्राइटनेस लेवल है, ये यहाँ पे फुल करके रखा हुआ है, एंड ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, डे लाइट में भी काफ़ी अच्छा विजिबल रहता है, तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। उसके अलावा फ्लैश लाइट है, तो अगर काफ़ी अंधेरा रहता है रूम तो ये फ्लैश लाइट आपका काम आएगा, और हाँ ये काम करता है, आपको थोड़ा सा दिख ही जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे वही नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस का ऑप्शन आता है, तो ये सब मैं आगे देखूँगा।
उसके अलावा अगर मैं नीचे स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो डेली एक्टिविटी है, आपका स्टेप्स मॉनिटर होता है, कितना किलोमीटर कितना कैलोरी बर्न हुआ ये सब दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका हर्ट रेट अपने आप ऑन हो जाता है एंड ये ऑटोमेटिक ऑन रहता है हर्ट रेट, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ऑटोमेटिक आपको मॉनिटर करते रहेगा। उसके अलावा फिर एक स्लाइड करूँ तो यहाँ पे स्लीप मॉनिटर है, ये सब कैसा काम कर रहा है मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे वेदर है, अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो अगले 2 दिन का यहाँ पे वेदर आ जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये म्यूज़िक कंट्रोल भी यहीं पे दिया हुआ है, आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है। तो ओवरऑल जो है यही इसके फंक्शंस थे। तो अब जल्दी से मैं यहाँ पे इसमें बात कर लेता हूँ इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के एंड ऐप कैसे कनेक्ट होता है। ओके, तो जल्दी से मैं अब इसके वॉच ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में ये बोट वेरेबल्स करके जो ऐप आता है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सारा सेटअप कर लिया है एंड इससे कनेक्ट कर लिया है, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मांगेगा, आपको दे देना है। एंड होम में यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो भी वर्कआउट गोल है उसके हिसाब से आपने कितना स्टेप किया, कितना कैलोरी बर्न की, ये सब दिखाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे SpO2 ब्लड ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा आपके बॉडी में, कितना आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। उसके अलावा एवरेज हर्ट रेट है, देन स्लीप ब्रेकडाउन, देन स्लीप ट्रैकिंग का यहाँ पे लाइक एक समरी वाइज दिया हुआ है इसके होम स्क्रीन में। यहाँ पे आपका हर्ट रेट मिल जाता है, यहाँ पे आपका डे या वीक या मंथली आप अपने हर्ट रेट को एंड इसको चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का भी डे वाइज पूरा इसमें डिटेल में रहता है, आपका लाइट स्लीप क्या है एंड कैसे आपका स्लीप ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ हुआ है वो सब दिखाता है। देन दूसरे में यहाँ पे आपका एक्टिविटी दिखाएगा, आप यहाँ पे लाइक डेली आप न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्पिनिंग है, हाइकिंग है, योगा है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्किपिंग, स्विमिंग एंड ऑल। उसके अलावा यहाँ दूसरे सेक्शन में आपका, जैसा कि इसमें बैटरी के लिए तो लाइक बोट ने कहा है कि आपको 7 दिन का बैटरी मिलेगा एंड ये आई थिंक बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 48% बैटरी रिमेनिंग दिखा रहा है और इसमें दिखा रहा है 7 days 4 hours and 48 minutes, तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो बैटरी बैकअप इसका कैसा है वो भी मैं आगे बात करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे वॉच फेसेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे वॉच फेसेस, लाइक यहाँ पे आई थिंक 8 वॉच फेसेस है। उसके अलावा आप क्लाउड वॉच फेसेस को भी डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टोटल आपको क्लाउड वॉच फेसेस और इसके ऐप वॉच फेसेस है वो मिला के 25 आई थिंक वॉच फेसेस मिलेंगे। देन यहाँ पे आप कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो, कोई भी अपना बैकग्राउंड जो है वो आप ऐड कर सकते हो, या इमेज भी अपलोड करना है डायरेक्ट कैमरा खोल के तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो फोटो को आराम से। तो ये अभी खैर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी होती है बेसिक इस प्राइस रेंज में सारे दिए हुए हैं एंड वॉच फेसेस 25 वॉच फेसेस है। उसके अलावा यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, तो ये यहाँ पे मैं सारा ऐप नोटिफिकेशन इनेबल कर देता हूँ। देन यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन है, आप अपने अलार्म को सेट कर सकते हो। देन फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, तो जैसे मैंने फ़ोन से किया तो यहाँ पे ये वाइब्रेट होने लगा एंड इसका वाइब्रेशन मोटर काफ़ी अच्छा है गाइस, अभी जैसे मैंने छुआ तो काफ़ी अच्छा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा का भी ऑप्शन है, आप लाइक अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, इससे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटो क्लिक हो जाता है, तो ये भी एक लाइक बेसिक फीचर है जो आजकल सारे स्मार्ट बैंड्स एंड वॉच में आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ अलर्ट्स है लाइक हाइजीन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, आपका जो भी हाइड्रेशन है वो आपका अलर्ट दिखाएगा। उसके अलावा सैनिटरी अलर्ट है। तो ऐप ऐप इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है एंड अगर दूसरे सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गोल सेटअप, ये सब आप कर सकते हो यहाँ से। तो ओवरऑल जो है इस प्राइस रेंज में जैसा रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं ऐड है बट यस बेसिक फीचर्स है, तो लाइक इस प्राइस रेंज में ऐसा ही फीचर्स मिलता है एंड कुछ ज़्यादा एडेड नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं इसके UI की बात करूँ तो गाइस UI ना मुझे लाइक ठीक ठाक है, स्मूथ है। अगर मैं अप डाउन या स्लाइड करता हूँ तो ये तो काफ़ी स्मूथ जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 दिन का वेदर का भी फोरकास्ट दिखाने लगता है, तो ये ओवरऑल UI काफ़ी स्मूथ है। बट वही अगर मैं यहाँ स्लाइड करता हूँ हल्का सा लाइक लैग देखने को मिलता है एंड इतना लाइक कॉमन होता है इस प्राइस रेंज में। देन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ एक्सपीरियंस UI का अभी तक काफ़ी सही रहा है, और वहीं आपको यहाँ क्राउन से बैक करना पड़ता है तो आप यहाँ पे बैक हो जाओगे। एंड वॉच फेसेस चेंज करने के लिए यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी देर क्लिक करके रखोगे तो वैसे वॉच फेसेस चेंज नहीं होते हैं, आपको सेटिंग से जाके अपने फ़ोन से ही वॉच फेसेस चेंज करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया वॉच और इसके ऐप के बारे में बात। तो अब मैं इसके डिटेल में बात करूँगा कि इसका SpO2 हर्ट रेट सेंसर कैसा है, कैसा काम कर रहा है, स्लीप मॉनिटर कैसा काम कर रहा है, उसके अलावा ओवरऑल जो है बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है एंड क्या क्या और एडिड फीचर्स है और आपको क्या इस प्राइस रेंज में ये लेना चाहिए।
ओके सो गाइज फाइनली यहाँ पे मैं फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाता हूँ और कुछ कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक इसकी बैटरी बैकअप जो इसके ऐप में दिखाता है वो सही बिल्कुल नहीं है, बट यस कंपनी ने 7 दिन क्लेम किया है तो ये आपको आराम से लाइक 4-5 दिन दे देता है। वो डिपेंड करता है आपके लाइक ऑटोमेटिक आप हर्ट रेट रखते हो कि नहीं, उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो भी है वो, अगर वो ऑटोमेटिक रहेगा तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगा। बट इस प्राइस रेंज में आई थिंक 10 दिन मिनिमम बैटरी बैकअप मिलना चाहिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। बट ठीक है 7 दिन का लाइक इन्होंने क्लेम किया है तो ओवरऑल लाइक आपको 5 दिन तक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, आप आराम से जाके स्विमिंग कर सकते हो और पानी में आप लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है। वॉच लाइक काफ़ी सही सी है एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक वाटर रेजिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है, इसमें जो नोटिफिकेशंस रहते हैं वो लाइक रेगुलरली आते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जब कॉलिंग का नोटिफिकेशन होता है ना वो मुझे शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी लाइक ये आ रहा नहीं था, बट आफ्टर समटाइम्स वो कॉलिंग के नोटिफिकेशन भी आने लगे, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो अलग घबराने की बात नहीं है, तो वो आ जाते हैं। एंड उसके अलावा ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड अभी जैसे मैं पहन रहा हूँ स्लीप ट्रैकिंग अच्छी है इसकी। एंड यस हर्ट रेट एंड SpO2 को बात करूँ तो लाइक मेडिकल ग्रेड की नहीं है, बट आपको ओवरऑल एक लाइक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको मेडिकली यूज़ के लिए लेना है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बजट स्मार्ट वॉच है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका लाइक SpO2 लेवल कैसा है ब्लड में, उसके अलावा हर्ट रेट कैसा है। लाइक स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन के लिए एंड कैलोरी बर्न के लिए हर्ट रेट सही काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्पोर्ट्स मोड है एंड इस प्राइस रेंज में थोड़े से ज़्यादा और स्पोर्ट्स मोड बोट दे सकता था, बट ठीक है अब नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैं फाइनली आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वॉच लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली लाइक 2500 में आप ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप रुक जाओ क्योंकि मैं क्रॉस बीट ट्रैक के साथ जो काफ़ी सिमिलर दिखता है इससे एंड काफ़ी यूज़र इंटरफेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है तो उसका मैं इसके साथ कंपेरिजन लेके आने वाला हूँ। एंड बोट का जो स्ट्रॉन्ग वॉच है वो भी ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है तो उसके साथ भी मैं कंपैरिजन लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए अगर आप वेट कर सकते हो, वैसे भी अमेज़न में अभी ये 6000 का हो गया है, इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है गाइस। हाँ 2500 में डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ये, बट अगर 6000 में मिलता है, जैसे जब सेल स्टार्ट हुआ था तब मैंने लिया था और जब सेल ख़त्म हुआ तो ये 6000 तक में आ गया था, तो डेफिनेटली उस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी कंसिडर मत करना ये लेने को। बट हाँ मैं बाय लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको 2500 में मिल जाता है तो एक अच्छा डील हो सकता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देन इसकी जो मॉनिटरिंग होती है हर्ट रेट SpO2 वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक ये अच्छा वॉच है, बट हाँ अगर आप वेट कर सकते हो थोड़े दिन तो आप वेट करो, मैं कंपैरिजन लेके आ जाऊंगा। वैसे बोट स्ट्रॉम का एंड क्रॉसबीट ट्रैक दोनों का मैं बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड उसका कंपैरिजन काफी ही जल्द आने वाला है मेरे चैनल पे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।